एक मिनट चढ़ाओ नहीं बहुत टाइट है। क्या हवा टाइट है? अबे पैंट टाइट है, इसकी पैंट मुझे नहीं आ रही है। क्या चल रहा है अंदर? ही कवर करो। क्या भाई क्या चल रहा है अंदर? गुफ्तगु। और ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? गुफ्तगु। चुप करो, बाहर आ जा। नहीं माँ। तुम दोनों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जय हिंद मैडम। जय हिंद। जब देखो यहाँ बिल्लू के साथ आके मस्ती करते रहते हो, बताओ बाहर निकलो यहाँ से। नहीं नहीं इनको रहने दो। ये दोनों कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। कंटाप लगाएंगे ना खींच के, टिप्पा खा के बाहर गिरोगे, समझे तुम? और तुम दोनों निकलते हो, बनाए रॉकेट अभी के अभी। रॉकेट बहुत दर्द है। नहीं 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 बिल्लू। ये कहाँ है बे? खड़े हो। नहीं खड़े हो। अरे क्या कर रही हैं आप? नीचे पैंट नहीं उसकी। ओ मेरे सारे कपड़े नीचे के कपड़े हैं वो धुलने के लिए गए हैं। एक्चुअली मैं ट्रैक सूट पहन के गया था, वो ट्रैक पे ही रह गया। तो कैसी रहोगे पूरा दिन? नहीं नहीं घूमूंगा ना, देखो। क्या करता रहता है ये? मैडम। अरे बाल बनाएंगे? हाँ हाँ मैडम। जी बताइए। मैडम वो गोपाल दास राजी हो गया बैंक का पैसा देने के लिए। मैडम कल ऑडिट का आखिरी तारीख है, बैंक मैनेजर सारे अकाउंट्स को रीचेक करने वाला है और कल तक 20 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी गलती की वजह से गोपाल दास नाम के किसी व्यक्ति के अकाउंट में 20 लाख रुपया ट्रांसफर हो गए। उसके बाद मैं कहीं का नहीं रहूंगा मैडम। हमको बहुत ज्यादा इसे घबराहट हो रहा है संतु जी। ना सोचिए घोर कलयुग में इंसान को इंसान बनने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। करिश्मा मैडम हमको भगवान बनने के लिए बोली है। क्यों डर रहे तू इतना? मैं हूं ना तेरे साथ। काम कर। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो संतु, सुनो क्या हुआ? वो पूजा करने के लिए आया कि नहीं आया? हाँ तो बस शुरू हो जाओ। रेडी है? भोलेनाथ बचपन से आज तक मैं तुम्हारी आराधना करता रहा। इन जमाने वालों ने कितने मुझे ताने दिए कि भक्ति अक्ति करने से कुछ नहीं होता, कर्म कर कर्म। मैंने कहा यही तो मेरा कर्म है, तुम्हारी सेवा करना, तुम्हारा पूजा पाठ करना। जैसे प्रभु आज तक मैंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, तुम्हारे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी, मेरे विश्वास की लाज रखी, मेरी झोली में एक साथ मुझ 20 लाख रुपए डाल दिए। प्रभु बस एक कृपा और कर दो, कृपा निधान, एक संतान सुख की प्राप्ति दे दो, एक औलाद सुख दे दो प्रभु। जीवन भर तुम्हारे चरण धो के पीऊंगा प्रभु। यह असंभव है। कौन बोला? ये कौन है? कौन है भाई? तुमने हमें नहीं पहचाना वत्स, ये हम स्वयं हैं, देवों के देव महादेव। महादेव आप बोल रहे हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं वत्स, ये तुम्हारा सपना नहीं, ये तुम्हारे तपस्या का परिणाम है। हम स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गए, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर। प्रभु जब आप मुझसे इतना ही प्रसन्न है, इतना अत्यधिक प्रसन्न होने के बाद फिर मुझे संतान सुख की प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे प्रभु? असंभव, अब ये असंभव है। पर क्यों प्रभु, क्यों असंभव है? कि एक वक्त पे एक ही महाइच्छा का द्वार खुल सकता है। तुमने संपत्ति मांगी, हमने संपत्ति दिया। तुमने अगर संतान मांगी होती तो हम संतान दे दिए होते। प्यार
तुम्हारी झूठी, तुम्हार होने वाले बच्चे की अम्मा। तुम्हार होने वाली बच्चे की अम्मा झुमकी। ये क्या बोल रही है? पता नहीं क्या बोल रही है, किसके बच्चे की? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता हूँ। हम भी नहीं जानते आपको। हाँ? अरे जब तुम मुझे जानती नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे का बाप कैसे हुआ? ओ ओ, आप ही तो है स्वामी। ओ शिव जी आए थे रात को हमारे सपने में और कह रहे थे कि संतान का वरदान देता हूँ और ई बच्चे का बाप गोपाल दास है, यानी कि आप। सुबह उठकर देखे तो हम अपने आप को गर्भवती पाए हैं। अरे बौरा गई है औरत, पता नहीं क्या अनाप सनाप बक रही। मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे, शिवजी ने जब खुद इनके सपनों में आकर कहा है अब तो शिवजी भगवान झूठ थोड़ी ना कह सकते, आपके सपने में भी तो आए थे ना। लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इस औरत को छुआ तक नहीं तो इसके बच्चे का बाप मैं कैसे हो गया? बहुत अच्छा, बेहतरीन गोपाल भैया बेहतरीन। 20 लाख रुपया जो आप कमाए नहीं, लेकिन वही पैसा अगर आपके अकाउंट में आ गया तो वो पैसा जब आपका हो सकता है तो बिना छुए आप ही बच्चा का बाप कह नहीं हो सकते हैं। सही बात है। दुहाई 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 दुहाई, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आप हैं कौन? हम इनके होने वाले बच्चे की अम्मा बिंदिया। उल्फत से कौन बिंदिया? ये राम, ये तो पुष्पा जी है, सत्यानाश। ये का नाटक है, ये तो ये बच्चे के बाप है। अरे इस बच्चे के बाप ये है गोपाल दास। जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही कौन है बेटा? उल्फत का प्रमाण है आपके पास कि ई के बाप ई है? अरे तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस बच्चे के बाप ये है? कल रात शिव जी आए थे हमारे सपने में और कहकर गए हैं। हाँ तो हमारे सपने में भी साक्षात शिव जी आए थे और बता के गए कि हम उल्फत हमारे इस बच्चे के बाप ये है। जिल्ले इलाही गोपाल दास और हम भी दिया है। ये कोई उम्र है का माँ बनने का? अरे हम तो पहले से कह रहे थे मगर किसी ने सुनी नहीं हमारी बात। अब बन गए हैं माँ तो क्या करेंगे। मारे को इंसाफ चाहिए, मारे को इंसाफ चाहिए। देखो गजब हो गया, गजब हो गया है। मारे सपने में शिव जी आए थे, मारे को संतान का वरदान दिया, अगले दिन देखो पेट बाहर। मारे को बोले कि एक के नाम है थारा गोपाल दास। यही है गो है, यही है गो है थारी संतान। गजब के भगत हो यार तुम्हें, गजब के भगत। क्या हुआ इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है? इनसे मिलिए, कल रात शिव भगवान इनके सपने में भी आए हैं और सेम वरदान दिए हैं कि आप लोग गोपाल के बच्चे की माँ बन जाइएगा। और सुबह होते ही 6-6 महीने की गर्भवती ये दोनों भी हो गई है, देखिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।